गुड मॉर्निंग टू ऑल लिसनर्स। आज जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, जुडिशियल सिस्टम पे बात की जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्धि चलाने के लिए जरूरी है कि एक स्पष्ट सी यानी इफिशियंट जुडिशियरी की आवश्यकता होती है। इफिशियंसी कैसे बढ़े ये हम इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे सोशल साइंसेज की यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं जिसमें लॉ और जस्टिस को हम पॉलिटी के साथ साथ बहुत ऊपर रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में बड़ा कुछ नहीं होता, सबके जिम्मे होता है कुछ, पावर से ज़्यादा लोगों को एक्सरसाइज करनी होती है अपनी ड्यूटी। यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो चल रहा है उसमें जुडिशियरी का सम्मान सभी करें और हम भी बढ़कर हमारी जुडिशियरी का सम्मान करते हैं। जुडिशियल सुधार पर चर्चा कर लेना, जैसे किसी मशीनरी की सर्विस की जाती है, वो बहुत ज़रूरी है, उससे मुंह न छिपाया जाए। सरकार और न्यायपालिका के बीच का जो टकराव होता है जजेज के अपॉइंटमेंट को लेकर, खाली यहाँ को हमारे योग्य एप्लीकेंट्स कैपेबल एप्लीकेंट्स की कमी नहीं है, जो पद रिक्त पड़े हैं इनके बीच में टकराव हो जाता है नियुक्ति को लेकर। वो चाहते हैं उनको बनाया जाए और आम सहमति नहीं बन पाती है कॉलेजियम को लेकर, यह बनता टकराव का कारण, पद रिक्ति का कारण और न्याय व्यवस्था में देरी का कारण। संसद और न्यायपालिका दोनों कोऑर्डिनेशन अपने बीच बनाए रखें, तभी मामला आगे बढ़ेगा, टकराव का न बनाएं। और मैं ज़्यादा नहीं कहकर, हालांकि कल मैं एक हिसार की फास्ट कोर्ट का मामला देख रहा था, वो भी मैं यहाँ साझा मन से नहीं कहना चाहता। लोकुर साहब को बताया था मैंने एक दिन, जो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, कि ये चीज़ें साझा मन से उचित नहीं लगती, कहाँ क्या खामी रह जाती है, इफिशियंट डिसीजन कैसे आ पाता है। ये चीज़ें हम हमारे मंच जो हमने हमारा हेडक्वार्टर बना रखा जजेस फॉरम जजेस साहिबान से कहूँगा कि कुहाड़वास ग्राम सचिवालय में वो किसी भी समय शादरा मंत्री थे, सभी सम्मानित न्यायाधीश, और यदि एक समुचित निर्णय देने में कहीं उनको अड़चन आई तो उस पर भी चर्चा की जाए, पुनरावलोकन ही कहा जाएगा उसे। हमारा अंतिम निर्णय ये लोगों को जल्दी नहीं मिले, वर्चुअल हियरिंग बढ़े, लोगों की भगदड़ आवाजाही कम से कम हो और ऑनलाइन फाइलिंग को बढ़ावा मिले। पूरा काम ऑनलाइन ही चल रहा है, परंतु इस मामले को लेकर मैं देख रहा हूँ गति कम मिली है, इसको बढ़ाया जाए। जो संसद से मैं कहूँगा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो विदेशी शासन प्रणाली, विदेशों में जो पुराना लोकतंत्र था उसको लेकर आए, वो सभी सम्मानित संविधान सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष और निर्मात्री सभा के अध्यक्ष होने के नाते उनको मैं आस्था व्यक्त करता हूँ, श्रद्धान्वित होता हूँ। परंतु उसको सामाजिक बातें हैं जो ये आज के दिन की संसद का दायित्व बनता है, संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में कोई खामी नहीं रखी, ये देरी से लेकर आए हैं दो शब्दों को, रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह। ये मैं अभी इसीलिए जज फोरम को और सांसदों को आमंत्रित करूँगा देरी से। ये भारतीय विदेशी समाज और हमारे समाज में भिन्नता है, सरकार ने चलाए संविधानगत अपराध के लिए दंड तय करें, हमारे संविधान बड़ी अच्छी व्यवस्था, पर जहाँ सामाजिकता की बात आई और ये दोनों शब्द को हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं दिए थे। देरी से अगर
किसी वेस्टर्न सोच के जज ने जो वेस्टर्न कल्चर में रहा हो, जो अपने परिवार में भी इन शब्दों को आजमाने में जिसे शर्म ना आती हो, वो इस तरह की बात स्वीकार कर सकता है, समर्थन कर सकता है। हम नहीं करते। हमारा भारतीय समाज आज नहीं, हजारों सालों में जो इसका निर्माण हुआ है, ये शब्दावली ठीक से नहीं बैठती है। और सर्वोच्च ने कई फैसले संसद ने बहुमत से बदले हैं। मैं ये भारतीय सांसदों से और संसद से कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्र मोदी और जो अन्य दलों के जो सांसद हैं, वो स्पष्ट रूप से बताएं जनता को। हम उनके मुंह से सुनना पसंद करेंगे कि वो क्या इस तरह की समाज के पक्ष में हैं जो हमारे समाज से बिल्कुल मेल नहीं खाती दोनों बातें। कई बार तल्ख टिप्पणियाँ मैंने भारतीय न्यायाधीशों की सुनी है, इस तरह की जो मामले सामने आए, हालांकि उन्होंने बड़ी असहजता दिखाई और फटकार लगाई है। कल भी मैं देख रहा था चंद्रचूड़ साहब और सूर्यकांत जी एक राजस्थान में किसी मामले को लेकर सैनी की पत्नी को बड़ी फटकार लगा रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? रोंगटे खड़े करने वाली भाषा में उस सैनिक के दायित्व का समर्थन कर रहे थे और न्यायाधीश महोदय उसकी इज्जत की रक्षा करते नजर आ रहे थे। तो मैं आज ये कहूँगा, जजेस फॉरम से जितने जजेस हैं, जब भी जैसे जिसको समय मिले, आप जो हमारे प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेज की जो है, इसका हेडक्वार्टर कोहडवास डिस्ट्रिक्ट जून राजस्थान है, 73570-30620 यूनिवर्सिटी के मोबाइल नंबर हैं, किसी भी समय सभी सम्मानित न्यायाधीशों को, सांसदों को आमंत्रित करता हूं। और ये जो दो शब्द बताए जो भारतीय सामाजिकता से मैच नहीं खाते हैं, यदि किसी ने इसके पक्ष में कुछ कह भी दिया है न्यायालय में, तो कोई बात नहीं, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे, उसमें सुधार की मांग कर रहे हैं, नीड ऑफ करेक्शन। ये भारतीय समाज से मैं कहूँगा कि इन शब्दों को वापस लौटाने के लिए वेस्टर्न कल्चर के शब्द हैं, भारतीय कल्चर के साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी की इन्होंने। किसी से पूछा जाए कि तेरे घर में चले गई, तो सबका उत्तर या ना है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई राज्यपाल हो, कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। ये बता देना चाहता हूँ एक बार, जैसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक बहादुर महिला प्रार्थी जो पुरुषों द्वारा मेडिकल किए जाने का विरोध कर रही थी, तो न्यायाधीश महोदय ने पूछा था सेना के पैरवीकार से कि क्या आप अपनी बेटी से भी यही अपेक्षा करते हो कि उनका मेडिकल एक पुरुष चिकित्सक करे? तो उन्होंने कहा था नहीं सर, शर्म से सिर झुक गया उसका, बेशर्म प्रणाली के सामने टिक नहीं पाया। और कहा मेरी मजबूरी है, मैं विभाग की पैरवी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो वही बात नहीं की जाए, सरकार ने जिले अपराधियों को दंड दें, हमारे संविधान में सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और इन दोनों व्यवस्थाओं का संविधानगत को संबंध भी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय न्यायाधीशों से भी और भारतीय संसदों से भी कि बाद में आयातित शब्द हैं और इनका किसी ने निर्णय दिया है, हम उस भाई की भूल को सुधारने के लिए इन दोनों पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहूँगा कि हमारा चैनल, हमारा विश्वविद्यालय घोर विरोध दर्ज कराता है इन दोनों फैसलों के विरुद्ध। संसद को प्रेषित कर रहे हैं कि सुधार के लिए कार्य किया जाए। ये भारतीय समाज की आवाज़ है, न किसी व्यक्ति की, न के लिए किसी विश्वविद्यालय की। हमारे विवाह तर संबंध, विवाहितर यानी आफ्टर मैरिज सच काइंड रिलेशनशिप को अनुमति दी जाती है। किसी के साथ कभी और बगैर मैरिज, इस तरह की व्यवस्था को बहुत अवैध दर्जा दिया गया है भारतीय समाज द्वारा, और इससे अराजकता बढ़ सकती है, बढ़ी है। तो मैं कहूँगा कि इन पर पुनर्विचार किया जाए। माननीय अदालत से भी प्रार्थना कर रहा हूँ और संसद से भी कि लोग सामने चैन ना आए, इतने लोगों से हमने आग उगलते सुना है, तो इन पर पुनर्विचार किया जाए। सम्मानित न्यायाधीश मोदी में रमन साहब से भी कहूँगा, सी जी आई जो है भारत
के मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं प्रधान न्यायाधीश, कि निश्चित रूप से वो इस पर कमेंट्री जारी करें अपनी तरफ से। बाद में हम इसको संसद में उठाएंगे और सांसदों से भी पूछेंगे, भारतीय संस्कृति के वाहकों को, कि क्या यही जागरण चलाना है क्या? इसके लिए बीजेपी और शिवसेना सांसदों से विशेष रूप से कहूँगा, जो भारतीय संस्कृति के वाहक होने का दावा करते हैं, कि संसद में प्रपोजल लेकर आए। अगर कोई दुष्ट इसका समर्थन करता है वेस्टर्न कल्चर का, तो वो हमारे सामने आएगा। लिविंग रिलेशनशिप एंड जो ये समलैंगिक विवाह, जो इसको दोनों जो फैसले मान्यताएँ जो दी गई हैं न्यायाधीशों द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, उसका विरोध दर्ज कराते हैं और पुनर्विचार के लिए प्रार्थना करते हैं दोनों इकाइयों से। धन्यवाद।